pick up any product as far as the asset management is concerned. So these are some of the parameters आपने check करने चाहिए. Power factor हम basically ratio निकालते हैं active reactive का, right? कि मैं आपको कितना active दे रहा हूँ और कितना reactive दे रहा हूँ और उसको पावर फैक्टर में कन्वर्ट करके दिखा। RS-485 के बारे में किस किस को पता है कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, देन उसका लूपिंग कैसे होना चाहिए? आपने ये चेक करना है कि ये जो हार्डवेयर है जो हम लोग ले रहे हैं, ये कितने मल्टीपल पोर्टल्स के ऊपर डेटा जो है वो सेंड कर सकता है, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है कितने अलग अलग तरीके की है। जस्ट टू इंक्रीज द पावर फैक्टर, हाउ वी कैन इंप्रूव दिस एंगल डिफरेंस? कल 5G अगर आता है तो आपको पूरा डिवाइस चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर का इतना सा मॉड्यूल जो है हम लोग चेंज कर देंगे और आपका डिवाइस जो है वो 5G बनेगा। एक कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी का हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इज इम्पेडेंस। सिमिलरली जो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो डिमांड द सेम थिंग फ्रॉम अदर वेंडर्स कि आपका जो डिवाइस है इज इट अ मॉड्यूलर और नॉट। तो ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अगर मैं हम लोग देखते हैं तो 5-6 वेंडर से डील करना पड़ता था, एंड विद इन दैट 2018 के पहले जो कंपनियां प्रेजेंट थी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज वर फ्रॉम यूरोप, यूएस।